Very good evening to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain previous year question paper of MTS examination, and it is set for today, and the set is of 2021. So let's get started. Students, join now and let's get started. Question number 1 is on the screen, and it is: the playground way was large than I had imagined. कितना इजी है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पर और बता रहे हैं कि जितनी हम इमेजिन किए थे उससे अधिक दूर है, तो यहां पर हमें लिखना होगा लार्जर देन, लार्जर देन हमें लिखना होगा, यानी आंसर होगा हमारा ए, लार्जर देन आई हैड इमेजिन्ड, क्योंकि हमें यहां जरूरत है कॉम्परेटिव डिग्री की, यानी 1 का आंसर ए होगा. जी हाँ, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है. टू फूट द बिल, टू फूट द बिल एक इडियम है और आपको इसका मीनिंग बताना है. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: टू रिवील अ सीक्रेट, टू बी फ्रेंडली, टू होल्ड ग्रजेस और टू मेक पेमेंट. टू मेक पेमेंट, तो टू फूट द बिल का अर्थ होता है टू मेक पेमेंट. हिसाब चुकाना या बिल का पेमेंट करना, तो टू मेक पेमेंट होगा, यानी आंसर 2 का हो जाएगा डी. ये आपको याद करना पड़ेगा. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके सामने है. शैल यू पास मी दैट पास्ता बाउल, बाउल मीन्स होता है कटोरा. Shall you pass me that pasta bowl? Shall you pass me? Shall pass you ये तो होगा ही नहीं. Can you pass हो सकता है, could passing होगा ही नहीं. एक तरह से देखें तो यह भी गलत नहीं है, लेकिन shall से यहाँ बेहतर होगा can, इसलिए चूंकि यह improvement है. क्या आप पास्ता का बाउल मुझे पास कर सकते हैं, तो can थोड़ा अच्छा है, लेकिन शैल भी हम बिल्कुल काट नहीं सकते. हम यह नहीं कह सकते कि शैल यहाँ गलत ही है, लेकिन बेहतर बी है, इसलिए हम लोग बी को सेलेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और आप 4 का आंसर दें. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने. जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 4 एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दें. He had begun to dig diligent along the low tide line and had captured 2 clams. Clam, समुद्री मछली कह सकते हैं और शायद केकड़ा भी कहते हैं इसे. Dig diligent, यह idiom है to dig. डिलीजेंस होता है. कठिन परिश्रम करना. अगर किसी को इडियम याद नहीं भी हो तब भी वो सही बना सकता है. कैसे? डिग एक वर्ब है और प्रिंसिपल वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए. डिलीजेंट एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसलिए डिलीजेंट का हम जब नाउन बनाएंगे तो डिलीजेंस होगा. तो अगर किसी को ये इडियम याद न भी हो तभी वो करेक्ट कर सकता है, यानी आंसर होगा सी, आंसर सी होगा. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है.
क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने, बिल्कुल सही है आप लोग, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, आप लोग जल्दी जल्दी कॉमेंट करें। और मेमो एस्टर आपने ए लिखा, आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट, आपने देखा कि इफ वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो जब इफ वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ हो तो जो दूसरा पार्ट होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट प्रेफरेबल होता है, सिंपल फ्यूचर प्रेफरेबल होता है, और यदि सिंपल फ्यूचर ना दिया गया हो तो फ्यूचर परफेक्ट भी हो जाता है, लेकिन यहाँ सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है। आई डू योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, यानी फाइव का आंसर बी होगा, फाइव का आंसर बी होगा, ए लिखने वाले गलत हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आप सभी आंसर दें। सिक्स में कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग वाले शब्द को आप बता दें कौन सा करेक्ट है। ए में मैजेस्टिक है, बी में फ्लेक्सिबल है, सी में स्ट्रिंजेंट है और डी में फाल्टरिंग है। स्पेलिंग करेक्ट किसका है आप सिक्स का जल्दी से कमेंट करके बताएं। और सिक्स का कमेंट आ गया, ओके, स्ट्रिंजेंट करेक्ट है, वेरी गुड, सभी लोग करेक्ट आंसर दिए। मैजेस्टिक में जे रहता है, जी नहीं, मैजेस्टिक, एंड इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर, स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कड़ा, एंड ये होता है फाल्टरिंग, लड़खड़ाता हुआ या डगमगाता हुआ। मैजेस्टिक राजसी, फ्लेक्सिबल लचीला, तो आंसर होगा सिक्स का सी, और आप सभी ने सी आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है और सेवन का आंसर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने, विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। बहुत हल्के हल्के प्रश्न है सभी, काफी लॉजिकल। अब इस रूट मीन्स तो जड़ होता है, और इस रूट मीन्स मार्ग होता है, ये रोट है, रोट रोट मेमोरी यानी रटी हुई चीज, और ये है रेट, इसका अर्थ होता है दंगा। तो मार्ग वाला चाहिए हमें, रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए मार्ग की यहां पर जरूरत थी, यानी आंसर होगा सेवन का बी, और आप सभी लोग करेक्ट हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने, फील करें इसे, क्वेश्चन नंबर एट को, राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, यानी राइटिंग बुक्स, किताबों को लिखना किस चीज के ऊपर, तो हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट, हाउ टू मेक अ प्रॉमिस ऑन द इंटरनेट, हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून ऑन द इंटरनेट, हाउ टू मेक अ हैबिट ऑन द इंटरनेट, हाउ टू मेक अ लिस्ट ऑन द इंटरनेट, कौन इसमें सही सही बैठ रहा है, तो बैठ रहा है बी, टू मेक अ फॉर्च्यून मीन्स होता है धन कमाना, संपत्ति कमाना, तो टू मेक अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स भाग्य होता है और फॉर्च्यून्स मीन्स संपत्ति होता है, टू मेक अ फॉर्च्यून, तो यहाँ पर हो जाता है धन संपत्ति, यानी आंसर होगा एट का बी, मेक अ प्रॉमिस और बाकी सभी सूटेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और बी आप लोगों ने लिखा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, आई कांट कंट्रोल माई डैश दिस डेज बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब, मैं जॉब के लिए सेलेक्टेड हो चुका हूँ इसलिए अपने डैश को आजकल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या होगा, कैजुअलनेस, नेपोटिज्म, पोल्यूशन एंड एक्साइटमेंट। कैजुअलनेस मीन्स लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ केयर और लैक ऑफ अटेंशन,
प्रॉपर वे में कहीं ध्यान न दिया जाना कैजुअलनेस कहलाता है। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, अपने सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने का काम नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजा वाद। पोल्यूशन आप जानते हैं, एक्साइटमेंट, आंसर क्या होगा? डी। अब एकाएक खुशी मिली है कि जॉब हो गई, अब इस एक्साइटमेंट को यह आई जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। आई कांट कंट्रोल माई एक्साइटमेंट दिस डेज बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। यानी 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, 9 का डी होगा, वेरी गुड। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, द लेबनीज आर्मी रेडेड द बोट। लेबन की आर्मी ने बोट को रेड किया एंड डैश डजन ऑफ वाटर बॉटल्स, ट्यूना कैंस, लोब्स ऑफ ब्रेड, बॉक्सेज ऑफ पीकॉन चीज एंड लाइफ जैकेट्स। आर्मी रेड कर रही है बोट के ऊपर, और बोट के ऊपर जब आर्मी रेड की तो इन सभी चीजों को वो डैश कर ली। क्या कर ली? आर्मी के लिए क्या यूज करें? डिस्कवर्ड कर ली, लर्न कर ली, क्रिएटेड कर ली, इन्वेंटेड कर ली। शब्द काफी सिंपल है। डिस्कवर्ड करी यानी खोज निकाली, इन चीजों को ढूंढ निकाली रेड करने के बाद। बाकी सभी यहां पर मीनिंगलेस होंगे, कोई मीनिंग नहीं है। तो 10 का आंसर ए होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, 10 का ए होगा। जी हाँ, 10 का ए होगा, वेरी गुड। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 को फील करना है। 11 में कहा जा रहा है, माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम इज लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। टू शूट फिश इन अ बैरल आपको याद करना होगा। टू शूट फिश इन अ बैरल, इट मीन्स अति आसान काम, बेहद सरल काम, अति आसान काम या बेहद सरल काम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा अति आसान, एक्सेप्शनली इजी टू डू, बहुत ही आसान काम। एंडल्स मतलब होता है लिप्त होना, संलिप्त होना, और इसका सेनोनिम होता है इन्वॉल्व। दोनों के बाद प्रेपोजिशन हम इन का ही यूज करते हैं, ये याद करना होगा। टू शूट फिश इन ए बैरल, अति आसान काम, बेहद आसान काम करना। तो 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, जी खुश रहिए, सभी लोगों को आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आप इसे सॉल्व करें। सैक्रेड वर्ड है और इसका सिनोनिम आपको बताना है। सैक्रेड शब्द का आपको सिनोनिम बताना है। यहां पर ऑप्शन जो कंसेक्रेटेड आप देख रहे हैं यही आंसर होगा, क्योंकि सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र। इसके लिए हम यूज करते हैं होली, इसके लिए हम यूज करते हैं हेलाउड, होली हेलाउड सैक्रेड। एक और वर्ड है दिमाग पे नहीं आ रहा है, और कॉन्सेक्रेटेड, तो कॉन्सेक्रेटेड मीन्स होता है पवित्र। सबमिसिव मीन्स होता है जिसमें सबमिट कर जाने, जिसमें झुक जाने का गुण हो, उसे सबमिसिव कहते हैं। पैशनेट मीन्स होता है काफी जोश से भरा हुआ, पैशनेट। और अडामेंट मीन्स होता है अडिग, अडामेंट के लिए हम यूज करते हैं रेजोल्यूट। अब कभी कभी अडामेंट के लिए हम रिजिड का यूज भी कर लेते हैं, हम ऑब्स्टिनेट का यूज भी कर लेते हैं, और हम स्टबन का यूज भी अडामेंट के लिए कर लेते हैं। पैशनेट मीन्स हैविंग टू मच पैशन फॉर समथिंग, और सबमिसिव मीन्स वन हु हैज क्वालिटी ऑफ बीइंग बीइंग, यहां पर सबमिसिव न लिख के हम लिखें बीइंग
पोलाइट। तो सेक्रेड के लिए पहले ही मैं सेलेक्ट कर चुका हूं कॉन्सेक्रेटेड, और डेसेक्रेटेड इसका एंटोनिम होता है। कॉन्सेक्रेटेड का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो आप लिखेंगे डेसेक्रेटेड, यानी 12 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, पायस, ये यही छूट रहा था मेरे से। थैंक यू प्रद्युम्न एंड आई एन डी मौर्या टेक, हिमांशु रंजन सिंह, थैंक यू सो मच। यही वर्ड मैं याद कर रहा था और ये निकल रहा था दिमाग से। पायस, पायस होली सैक्रेड कॉन्सेक्रेटेड, और हलाउड मीन्स होता है पवित्र। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेज, भिन्न भिन्न स्किन के भिन्न भिन्न रोगों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, साइकोलॉजी और रेडियोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी होगा डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन होता है, डर्मा मीन्स स्किन होता है, और उसके अध्ययन के लिए लॉजी का यूज कर दिया गया, यानी डर्मेटोलॉजी इट मीन्स स्किन डिजीज का अध्ययन, न्यूरोलॉजी यानी संपूर्ण न्यूरो का अध्ययन, साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान है, मन स्थिति का अध्ययन, इसमें इलाज नहीं आता, ये साइकोलॉजी है, इलाज वाला साइकियाट्रिस्ट होता है, वो अलग होता है, और रेडियोलॉजी विकिरण विज्ञान हिंदी में कहते हैं, विकिरण, इसे हिंदी में कहा जाता है विकिरण विज्ञान, स्कैनिंग वगैरह इसी के अंतर्गत आता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह और जितने तरह के फोटोज होते हैं वो रेडियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। आंसर होगा डर्मेटोलॉजी, क्योंकि स्किन से रिलेटेड वर्ड यही है। 13 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, लजी मीन्स स्टडी, यस यू आर राइट, यू आर राइट हियर, लजी मीन्स स्टडी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन एंड इट हैज बीन माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का सिनोनिम होता है कलामिटी, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, कलामिटी आपदा। इट हैज बीन माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम देन फॉर एनी सेंस, टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल, मोर नोटेबल के साथ दैन लगा हुआ है, खैर देखता हूँ कोई और इससे अच्छा तो नहीं। टू मिस फॉर्च्यून, अब मिस फॉर्च्यून नाउन है, नाउन के बाद जेरंड नहीं आता है, नाउन के बाद हमेशा टू प्लस भी वन आता है, नाउन के बाद जेरंड नहीं आता, इसलिए ए आप नहीं सोचेंगे। टू फॉलो ए स्पीच मच नोटेबल, सपोज कि मच हमारा सही हो जाएगा, सपोज, बट यहाँ क्या लगा हुआ है देन, इसलिए मच हम लिख नहीं सकते। टू हैव बीइंग फॉलोइंग क्या है, ये बकवास है, यानी किसी भी सुधार की जरूरत नहीं, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि मोर के साथ देन का कॉम्बिनेशन पहले से ही फिट है, कोई सुधार की जरूरत नहीं, आंसर होगा बी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, आंसर बी होगा, सी नहीं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, आप इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, वह जो हॉस्टाइल हो, जो वायलेंट हो, उसे क्या कहते हैं। वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, ए में आइडल, बी में अग्रेसिव, सी में लेजेंड्री एंड डी में एग्रीएबल। आइडल मीन्स होता है आलसी, सुस्त, लेजी, लेथार्जिक, लेजी, लेथार्जिक, स्लगिश, लेजी, लेथार्जी, स्लगिश, आलसी, सुस्त, एग्रेसिव, जिसमें एग्रेशन हो, आक्रामक, लेजेंड्री, ही वॉज अ लेजेंड्री पर्सन, जिसका एक अच्छा खासा इतिहास हो, उसे हम लेजेंड्री कहते हैं। एग्रीएबल मीन्स होता है रुचिकर, लेजेंड से बनता है लेजेंड्री। तो वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, इसके लिए इसमें एक ही शब्द दिया हुआ है एग्रेसिव, इसलिए 15 का आंसर होगा बी। हॉस्टाइल का क्वारलसम नहीं होगा मिस्टर, हॉस्टाइल के लिए, हॉस्टाइल का अर्थ होता है शत्रुवत, आप क्या लिख दिए हैं हॉस्टाइल का, अच्छा आपके प्रश्न का जवाब भी दूंगा,
कि ही इज़ माई आइडिल, इस वाले आइडिल का स्पेलिंग क्या होता है? अच्छा अच्छा बताता हूँ, हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुवत, तो हॉस्टाइल का सिनोनिम नाउन के रूप में एनिमी होता है और एडजेक्टिव के रूप में एनिमिकल होता है, दोनों के लिए इसका यूज कर लिया जाता है, बट ये मैक्सिमम एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, तो इनिमिकल होगा। क्या लिख दिया, आई एम सॉरी, इनिमिकल होगा हॉस्टाइल, इसके लिए एनिमी इनिमिकल दोनों, एनिमी नाउन होगा, इनिमिकल एडजेक्टिव होगा, कभी कभी हॉस्टाइल का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है, तो यहां पर क्वारलसम न लिखें। और फिर एक प्रश्न आया कि ही इज माई आइडियल, वो आइडियल होता है जी, देखिए शब्द है आई डी ई ए एल, आदर्श, एक और शब्द होता है आई डी ओ एल, प्रतिमा या मूर्ति, फिर होता है आई डी एल ई, आइडिल, आलसी, ये तीन शब्द होते हैं, थोड़े मिलते जुलते, होमोफोनस कहेंगे या होमोफोन्स कहेंगे, तो इन तीनों को अलग अलग आप याद कर ले ताकि दिक्कत ना हो। आंसर होगा 15 का बी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। झगड़ालू क्वारलसम होता है, उसके लिए आप क्वेरिलस का यूज कर सकते हैं, कैंटाइन केरस का यूज कर सकते हैं, प्रद्युम्न। क्वारलसम, कैंटाइन केरस, क्वेरुलस, कुछ मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग में, क्वेरुलस, इनका हम प्रयोग करते हैं झगड़ालू के अर्थ में, पिक भी होता है, चिड़चिड़ा, झगड़ालू, पिक, लेकिन ये एग्जैक्ट है। प्लाउजिबुल का हमें क्या करना है, प्लाउजिबुल का हमें सिनोनिम बताना है, प्लाउजिबुल वह होता है जिस पे हम भरोसा कर सकें, यानी इसे हम कहेंगे विश्वसनीय, प्लाउजिबुल विश्वसनीय, इरेसिस्टिबल अप्रतिरोधी, जिसका प्रतिरोध न हो सके, अप्रतिरोधी, इरेशनल जो रैशनल न हो, यानी जो प्रासंगिक न हो, जो प्रसंग से परे हो, अनटेनेबल, अनटेनेबल का हिंदी नहीं लिख सकता, ध्यान पे नहीं आ रहा है, इंग्लिश लिख देता हूं, दैट कांट बी, दैट कांट बी डिफेंडेड, दैट कांट बी मेंटेन्ड, जिसे हम डिफेंड ना कर सकें, यानी अटैक हो रहा हो और हम डिफेंड ना कर पाए जिसका, उसके लिए हम यूज करते हैं अनटेनेबल का, और ये है क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल विश्वसनीय, तो प्लॉजिबल के लिए हम सेलेक्ट करेंगे क्रेडिबल का। एक और शब्द होता है क्रेड्यूलस, क्रेडिबल और क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस वह होता है जो सहज विश्वास कर लेता है किसी के ऊपर, और जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वह हमारे लिए क्रेडिबल होता है, प्लॉजिबल होता है। 16 का आंसर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, 16 का डी होगा। राहुल सिंह जी खुश रहिए, धांसु वीडियो प्रणाम बोल रहे हैं, खुश रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोग सेलेक्ट करें, ए बी सी डी, एक्सप्लाइटेशन, कन्वर्सेशन, रेवेन्यू और पैशन, तो एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन यही सही है, एक्सप्लॉइटेशन मीन्स होता है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन शोषण, कॉन्वर्सेशन गलत है, कॉन्वर्सेशन और रेवेन्यू भी गलत है, रेवेन्यू और पैशन भी गलत है, पैशन के बाद प्रेपोजिशन हमेशा पूछ लिया जाता है, आप फॉर का यूज करेंगे, तो 17 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपके लिए अब क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द
given word, hilarious, ridiculous, pretentious, usual or humorless. आंसर डी दे रहे हैं आप. हिलेरियस मीन्स होता है प्रसन्नचित, रिडिक्यूलस हास्यास्पद, प्रिटेंसस बहानेबाज, यूजुअल सामान्य और ह्यूमरलेस हास्य रहित, जिसमें हास्य न हो. तो हिलेरियस वह होता है जो अपने हास्य से हमें प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है. तो इसलिए इसका एंटोनिम देना है तो हम सेलेक्ट करेंगे ह्यूमरलेस को, यानी 18 का आंसर होगा डी. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, 18 का डी. ये वीडियो रुक जा रहा है कभी कभी, फिर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. मैंने कंप्लेन किया था लेकिन कभी कभी दिक्कत आ जा रही है. पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम में कंटेंट एरर है. एरर आप डिटेक्ट करें. क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स ईच ईयर फॉर एनवायरमेंटल. कुछ इसमें छूटा नहीं है, कुछ ना कुछ तो छूटा है. ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओ ये वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है. वॉलंटियर यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, नहीं कुछ छूटा है. अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स ईच ईयर फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स. कुछ नहीं छूटा है, सेंटेंस बिल्कुल सही है. इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, निर्मला कुमारी लिख रही है. ओ क्लियर दिख तो रहा है, कहीं कहीं वीडियो रुक रहा है, क्योंकि मैं भी तो देख रहा हूँ ना लैपटॉप में. क्लियर दिख रहा है बट वीडियो कभी कभी रुक रहा है. देखिए सब्जेक्ट है और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आपने पढ़ा है सिंटैक्स के अंतर्गत कि ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगा, और यहाँ पर वॉलंटियर जो है वर्ब है, इसलिए हमें लिखना होगा वॉलंटियर वर्ब के रूप में यूज हुआ, जो स्वयं के लिए काम करते हैं, जो स्वयं सेवी होते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, उनके लिए वॉलंटियर का प्रयोग होता है. तो वॉलंटियर यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए एस हटाना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर ऑफ का रूल काम कर रहा है. यानी आंसर हो जाएगा ए, 19 का आंसर ए हो जाएगा. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है. रुकने से क्वालिटी कम, अब आज भर झेल लीजिए, कल मैं फिर आज कंप्लेन लिखता हूँ इंटरनेट प्रोवाइडर को, आज भर झेल लिया जाए. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर. अब टू इम्पोर्टेंट है तो फैक्टर नहीं ना होगा, फैक्टर्स होगा. आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, इसलिए आंसर हो जाएगा सी. आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंसेज इंटू रिसोर्सेज. टू जब यहाँ लगा हुआ है और ये काउंटेबल नाउन है तो प्लुरल फॉर्म में होगा. क्वेश्चन नंबर 21 से आपके सामने है क्लोज पैसेज और आप इसे बनाएं.
कैन यू डैश अ डेफ वुमन राइटिंग स्टोरीज अबाउट ए वॉर? क्या आप एक डेफ वुमन को, जो डेफ है वुमन, उसे डैश कर सकते हैं कि वो युद्ध की कहानियों को लिखे? क्या आप डैश कर सकते हैं कि एक डेफ वुमन जो सुन नहीं सकती वो युद्ध की कहानियों को लिखे? कैन यू मेलाइन, मेलाइन एजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। मेलाइन एजेक्टिव का जब काम करता है तब इसका अर्थ हानिकारक होता है, यानी मेलाइनेंट इसका मीनिंग हो जाता है। और मेलाइन वर्ब का भी काम करता है, मेलाइन जब वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ होता है बदनाम करना, किसी की छवि को बिगाड़ना, किसी की प्रतिष्ठा को खराब करना, डिफेम करना, क्रिएट रचना करना, क्रिएट रचना करना, कंज्योर जादू करके बुलाना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जादूगरी दिखाना, और इमेजिन कल्पना करना। तो यह तो स्पष्ट हो गया ना कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बहरी औरत जो सुन ही नहीं सकती वो युद्ध की घटनाओं के ऊपर पुस्तक लिखे या कोई लेख लिखे? इसलिए 21 का आंसर क्या होगा? डी, और आप लोगों ने लिख दिया है, वेरी गुड। अब इसके आगे, वाल लौरा रेडन सियरिंग डिड दिस, इसको लौरा रेडन सियरिंग ने कर दिखाया। मोर ओवर, इसके सिवाय, यानी इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, मोर ओवर मीन्स इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम, मोर ओवर सी वेंट टू फॉरेन कंट्रीज टू राइट स्टोरीज, वो फॉरेन कंट्रीज गई स्टोरीज लिखने के लिए। सी वॉज वेरी इल व्हेन सी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह 11 वर्ष की थी तब बहुत बीमार पड़ी थी। Because of this, इसके कारण, she lost her dash, वह इसके कारण अपने dash को lose कर दी, अपने dash को lose कर दी, किस चीज को lose कर दी? अपने hearing को lose कर दी, अपने suffering को lose कर दी, अपने enduring को lose कर दी, अपने inspiring को lose कर दी। पैसेज में चर्चा की गई और फर्स्ट लाइन में कहा गया कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई डेफ यानी कोई बहरी औरत लिख सके? तो उसने लूज किसको किया था? अपनी हियरिंग को। 11 वर्ष की अवस्था में बीमार पड़ने पर उसने अपने हियरिंग को लूज कर दिया था, तभी तो वो डेफ हुई थी, बहरी हुई थी। सफरिंग, पीड़ा, कष्ट, एंड्योरिंग बर्दाश्त करना, एंड्योर इंस्पायर प्रेरणा देना। 22 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, हाँ 22। अब 23 के लिए आर्टिस्ट, राइटर्स, मदर्स एंड टीचर्स, तो फिर हमें पैसेज देखना होगा ना। वो अपने हियरिंग को लॉस्ट कर दी थी। सी वेंट टू द मिसौरी स्कूल फॉर द डेफ, वो मिसौरी स्कूल गई जो डेफ के लिए था, बहरे लोगों के लिए ही था। लौरा वॉज 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन सी वेंट टू वर्क फॉर अ न्यूज़पेपर, 19 वर्ष की अवस्था में वह एक न्यूज़पेपर के लिए काम करने गई। सी रोट अबाउट पीपल, प्लेसेज एंड आर्ट, वह लोगों के बारे में, स्थानों के बारे में और आर्ट के बारे में लिखी। इन 1859 मोस्ट वीमेन वेयर जस्ट वाइब्स एंड डैश, 1859 में अधिकाधिक औरतें क्या थीं? वो वाइब्स थीं। कहने का मतलब है वो घरों में बंद रहती थीं, वो बाहर नहीं निकलती थी काम करने के लिए या कुछ अच्छा प्रदर्शित करने के लिए। तो मोस्ट वीमेन वेयर जस्ट वाइब्स एंड डैश, वाइब्स एंड डैश। 1859 के समय अधिकाधिक औरतें जो थी वो वाइब्स के रूप में थी, यानी घर में बंद थी, पत्नियां थी और क्या थी? तो पत्नियां थीं, और इसमें रिलेशन को व्यक्त करने वाला शब्द चाहिए, इसलिए मदर्स होगा। उस समय कोई बाहर जाकर जॉब इत्यादि नहीं करती थी, तब वो गई जबकि बहरी थी। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, राइटर सब आप जानते हैं, यहां होगा मदर्स, यानी 23 का आंसर सी होगा। थैंक यू सो मच।
मन करता है आप पढ़ाते रहें और हम पढ़ते रहें, बट रोज 25 क्वेश्चन ही मैं करा पाता हूँ नहीं। आगे, दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड द होम। मैंने कहा ही तो लाइन ही कह रहा था, घर के बाहर निकल करके वे काम नहीं करती थी। 1859 में औरतें घर के बाहर निकल कर काम नहीं करती थी, अदरवाइज देयर हस्बैंड्स वुड बी एंग्री। भैया उनके हस्बैंड जो थे वो एंग्री हो जाते थे अगर औरतें बाहर निकलती थी तो। ड्यू टू दिस फीलिंग लौरा यूज्ड अ डैश नेम व्हेन सी रोट हर स्टोरीज। अब पुरुषों को यह पसंद नहीं था कि औरतें घर से बाहर निकल कर के काम करें, और यह जो लौरा नाम की लड़की है 19 वर्ष की, ये घर से बाहर निकल के काम करती थी। इसीलिए और इसी कारण से इन्होंने क्या किया, एक डैश नेम यूज़ किया। व्हेन सी रोट हर स्टोरीज, अपने स्टोरीज को जब वो लिखती थी तो एक डैश नेम को यूज की। क्या नेम यूज की आगे पढ़िए, सी कॉल्ड हर सेल्फ हॉवर्ड ग्लिंडॉन। सी थॉट दैट अनलेस सी यूज अ मैस्कुलिन नेम पीपल वुड बी डैश सिंस दे डिडेंट थिंक दैट वीमेन शुड राइट फॉर न्यूज़पेपर्स। उस समय पुरुष लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि न्यूज़पेपर में लिखने का काम एक औरत कर सकती है, इसलिए वो अपना नाम छिपा लेती थी और एक पुरुष के नाम से लिखती थी। नाम रख ली थी अपना हॉवर्ड ग्लिंडॉन और इन्हीं के नाम से लिखती थी। तो लौरा यूज द डैश नेम, कैसा नाम, तो पुरुष का नाम, अपने नाम को छिपा लेती थी वो, पुरुष का नाम। तो स्पष्ट किया हुआ है यहाँ मैंस, चूंकि आगे मैस्कुलिन लिखा हुआ था, स्पष्ट कर रहा है कि वो एक भेष छद्म कहें इसको, और इस नाम से वो लिखती थी। स्यूडोनिम कहते हैं इसको, जब कुछ काल्पनिक नाम रख लिया जाता है उसे हम स्यूडोनिम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, सी थॉट दैट अनलेस सी यूज द मैस्कुलिन नेम पीपल वुड बी डैश। यदि वो मैस्कुलिन नेम यूज नहीं करेगी, यदि वो मैस्कुलिन नेम यूज नहीं करेगी तो पीपल वुड बी डैश। पीपल वुड बी इनफेंटाइल, इनफेंट का एजेक्टिव होता है इनफेंटाइल, इनफेंटाइल मीन्स होता है बचकाना, इसका सिनोनिम होगा चाइल्डिस। वर्सटाइल बहुमुखी, बहुत से विषयों में बहुत सारी चीजों में एक्सपर्टाइज होना वर्सटाइल कहलाता है। हॉस्टाइल बता चुका हूं, शत्रुवत। इनिमिकल एंटोनिम होता है फ्रेंडली। और इनफर्टाइल, इनफर्टाइल इन हिंदी में क्या कहें, इनफर्टाइल, बंजर, बैरन, अनप्रोडक्टिव। औरतें काम करें इस पर पुरुष क्या हो जाते थे, हॉस्टाइल हो जाते थे, इसलिए यहां पर सिनोनिम, यहां पर वर्ड आपको यूज करना है हॉस्टाइल, बाकी कोई यहां सूट करने वाला नहीं है। यानी 25 का आंसर होगा सी, और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास, और आप लोगों ने सी लिख दिया है, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। मेरे आंसर लिखने के पहले आप लिख देते हैं, यू आर सो इंटेलिजेंट। तो आज का क्लास समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर कल, और कल शाम में 8 बजे ही मिलेंगे हम लोग, क्योंकि आज एक जगह जाना था इसलिए मैंने कहा था आपको कि 7 बजे से क्लास लूँगा, तो मैं 7 बजे लाइव आके क्लास लिया। फिर मिलते हैं कल शाम में 8 बजे। सो विद दैट इट इज ओवर नाउ। रिमेंबर ऑल द थिंग्स that I give you during my lecture, during my class, and thank you so much to all of you for joining the class, and good night.